अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। ये आपके पेपर में आती है, एक रिपोर्ट होती है जिसके नीचे वो तीन पॉइंट्स दे देते हैं कि आपने इन तीन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक पर एक रिपोर्ट बनानी है, और वो आपके 8 नंबरों की होती है। एक ही चीज़ है, एक ही सवाल होता है, और उसके ऊपर कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं होती। अब 8 नंबरों के लिए आप एक रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करते हैं। पहले सीखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या। एक जो रिपोर्ट राइटिंग है, ये भी दरअसल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ही होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये फॉर्मल होती है, मतलब एक रस्मी अंदाज में लिखी जाती है, और मोस्टली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वगैरह में ही इस्तेमाल होती है, जहाँ पर भी आपकी जो वर्क प्लेस है, जो जॉब है, या किसी भी चीज़ की जो प्रोफेशनल है उससे रिलेटेड हो, वहाँ पर हम रिपोर्ट राइटिंग इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एक बाकायदा प्रॉपर फॉर्मेट है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ की, किसी भी हालात के बारे में, किसी एक सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट बना लेते हैं उसकी, कि उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक अच्छे अंदाज में लिख के वो आगे फॉरवर्ड करते हैं कि देखने वाले के लिए समझना आसान रहे। और ये इंटरनेशनल फॉर्मेट भी ऐसे ही चलता है रिपोर्ट राइटिंग का। अब एक ऐसे राइटिंग जो होती है वो भी कुछ ऐसे ही होता है कि इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो ज़रा इनफॉर्मल में आ जाता है, और उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल देते हैं। वेयर एज इन रिपोर्ट राइटिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करते हैं, क्या डेट्स हैं, क्या तादाद हैं, इस तरह की चीज़ें, और उस पर आपको 8 नंबर मिलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग इस तरह भी हो सकती है कि आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए अगर आप काम करते हैं और आप अपने बॉस को कहना चाह रहे हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ टॉपिक है, उस पर एक न्यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसकी आप रिपोर्ट बना के देंगे कि वो टॉपिक है क्या, वो क्यों है, और उसको कैसे करना है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर अकाउंटेंट लगे हुए हैं किसी जगह पे, और आपने बॉस को रिपोर्ट देनी है कि ये चीज़ें हैं जो मंगवाने वाली हैं, या ये चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं, तो और कहाँ कहाँ क्या पैसा लग सकता है, या अकॉर्डिंग टू योर जॉब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। तो रिपोर्ट राइटिंग इसलिए बहुत अहम है। अब सीखते हैं रिपोर्ट राइटिंग आपने पेपर में कैसे करनी है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, और किस तरह से लिखनी है। अब फॉर्मेट इसका कुछ ऐसा है, सबसे पहले आप लिखते हैं टू हेडिंग आप देंगे मार्कर से, उसके आगे आप कॉलम्स डालें, फिर उसके आगे आप लिखेंगे कि आप जिसको लिख रहे हैं ख़त, हो सकता है जिसको आप ख़त लिख रहे हैं वो आप किसी समझ लें न्यूज़ चैनल के लिए या न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं, और वो आपका बॉस है, एडिटर है, ठीक है, टू द एडिटर लिख दें आप यहाँ पे, जिसको भी आप लिख रहे हैं ख़त। फिर इसके नीचे आप लिखते हैं फ्रॉम, कि किसकी जानिब से रिपोर्ट, मतलब कि आप लिख रहे हैं तो आपकी जानिब से, आप क्या करेंगे फ्रॉम लिखेंगे मार्कर से, आगे कॉलन दे के, फिर आगे आप लिखेंगे आपकी जो डेजिग्नेशन है, कि जो आपका ओहदा है, हो सकता है आप रिपोर्टर हैं, हो सकता है आप एंकर हैं, जो भी है आप यहाँ पर अपना ओहदा लिख देंगे। ये आपको रिपोर्ट में बता दिया जाएगा कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से सिनेरियो अपने माइंड में बनाना है कि अगर आपको इस चीज़ की इजाज़त चाहिए तो आप जिसको लिख रहे होंगे वो कौन होगा, और आप किस डेजिग्नेशन पे होंगे तो आप इस तरह का काम करेंगे। अगर आप कोई फाइनेंसिस वगैरह की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अकाउंटेंट होंगे, आप अपने आप को फिर चाहे CFO चीफ अकाउंटेंट बना लें, फाइनेंशियल का वो ऑफिसर बना लें, या फिर आप चाहे अपने आप को सिंपली एक अकाउंटेंट कह लें, या फिर आप फाइनेंस मैनेजर कह लें, डिपेंड करता है आपने आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, और दूसरा रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है। फिर थर्ड चीज़ आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप कुछ अपने बारे में बताते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या कर लिया है, और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। 2 से 3 लाइनों में आप ये चीज़ लिखते हैं रिपोर्ट। ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन आपकी 2 से 3 लाइनें लेगी। कुछ अपने बारे में आप बता देंगे कि आई एम योर एडिटर, ठीक है, आई हैव डन न्यूज़ ऑन दिस एंड दिस, आप क्या क्या कर चुके हैं, और अब आगे जो है आपका क्या प्लान है, और आगे आप कह देंगे कि नाउ आई एम प्लानिंग टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या जो भी आपका सब्जेक्ट जिस पर आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं। 2 से 3 लाइनों में इंट्रोडक्शन दे के देन यू कम टू द रिपोर्ट, द मेन रिपोर्ट, कि जिसके लिए आप असल सारा कुछ लिख रहे हैं। फिर आप उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जिसके लिए आप उसको मुखातिब कर रहे हैं। रिपोर्ट अगर आप किसी के हालात पर लिखना चाह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ है वो न्यूज़ है तो हमें उसको लाजमी कवर करना चाहिए, तो आप उस न्यूज़ को पकड़ लें कि ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं वहाँ पे, कि फ़लाँ शहर में ये हो रहा है, एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस, वहाँ पर
अगर कुछ लोगों की जानें जा रही हैं तो ऐसे इतने लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर्स को, फैक्ट्स को और फिगर्स को यूज़ करें, ठीक है, और हो सके तो उनको हाईलाइट करें मार्कर से, तो ताकि दिखने में और पढ़ने वाला जो है वो आसानी से समझ सके। आपने एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देनी कोई, जिस तरह आप मज़मून लिख रहे हैं या शेर व शायरी शुरू कर दें, सिंपली फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात रखनी है। 6-8 लाइनों पर आपकी ये रिपोर्ट का जाता है जो सेक्शन है कि ये चीज़ें हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और यहाँ पर अगर हम ऐसे पैसे लगा लें तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, या फिर वहाँ पे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, या फिर ऐसे ऐसे करने से हमें ये फ़ायदा रह सकता है, ये चीज़ें रिपोर्ट में। फिर बात आती है कंक्लूजन की कि जो आपने इतना टाइम वेस्ट किया, व्हाई डिड यू डू दैट, आप कंक्लूजन में नतीजा लिखते हैं, समराइज कर देते हैं सारी बात को कि बात ये है कि ये ऐसे है और हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो हमें ये फ़ायदा है या ये फ़ायदा है। कंक्लूजन सिंपली आपने एक रिजल्ट सा लिख देना है। आपने पहले बता दिया कि ये बात है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बताया कि ये बात है असल, फिर आपने बताया कि उसका कंक्लूजन क्या है, क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद आप देंगे सजेशंस अपनी। जो कंक्लूजन है ये भी 2-3 लाइनों पर हो सकता है। फिर सजेशंस जो हैं, यह थे कि उस मामले को इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या राय है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने न्यूज़ कवर करनी है तो आप सब बताएं कि जी मेरी सजेशन है कि हम ऐसे ऐसे करें, वहाँ पे टीम भेजें और हम ये स्टेप्स लें। या अगर कोई फाइनेंसिस की बात है तो आप कहें कि मेरे ख्याल में यहाँ पे कमेटी बिठाएं और जो भी मामला है उसकी इस तरह तह में जाएं और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको हम पकड़ें, इस तरह की कोई भी बात। ये होता है कि अगर आप इस पर बुलेट्स या पॉइंट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और कि पहला पॉइंट, पहले सजेशन ये है, दूसरा हमें ऐसा करना चाहिए, तीसरा हमें ऐसे करना चाहिए। इस पर भी आप 3-5 लाइनें ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी सजेशन आ जाती है। फिर लास्टिंग है सिग्नेचर, आप जहाँ पे अपने सिग्नेचर देते हैं, अपना नाम बताते हैं। अब क्योंकि आप पेपर में जो कर रहे हैं तो आप अपना नाम नहीं लिख सकते, आपने हेडिंग देनी है सिग्नेचर की राइट साइड पे पेज के। ये सारा कुछ हम लेफ्ट साइड से लिख रहे थे, सिग्नेचर की आपने हेडिंग दी, उसके नीचे आप लिखेंगे ABC और फिर कोमा डाल देंगे आप। ABC नाम नहीं लिखना, कोमा डालेंगे और उससे निचली लाइन में आप अपनी डेजिग्नेशन लिख दें, जो कि आपने यहाँ पे लिखा था कि आप हैं कौन, आप एडिटर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, जो भी हैं। ABC कोमा और नीचे आपकी डेजिग्नेशन, आप कौन है। ये होती है आपकी टोटल रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपकी 8 नंबर की है और ये ऑप्शनल भी नहीं है, लाजमी है, करनी ही करनी होती है। इसके लिए भी कोशिश की जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स लिखी हुई प्रोवाइड कर दी जाएँ और कुछ टॉपिक्स बताए जाएँ। आपको जो टॉपिक बताए जाएंगे आप उन पर प्रैक्टिस करें लिखने की, आप खुद से उनको लिखें और कुछ सैंपल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन सैंपल्स को पढ़ें। जो आपकी रिपोर्ट है ये अनसीन होती है, इसमें ये नहीं है कि आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं और आप उनको रट लें, इसमें कि आपको ये स्किल अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा। जहाँ आपने रिपोर्ट राइटिंग पे इतने रटे लगाने, मेहनत करने, वहीं आप रटे वाली मेहनत के बजाय अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क करके वाकई में कैसे रिपोर्ट लिखते हैं ये सीख लें तो आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके बहुत काम आएगा, और दूसरा एग्जाम है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर हमारा रिपोर्ट राइटिंग का चैप्टर क्लोज होता है, जो उम्मीद है ये यूज़फुल था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।